रिएक्टर के बाद जाएगी आईपीएल के अंदर, चारों पार्ट के अंदर लड़के को सप्लाई चेक करनी चाहिए। लेकिन सप्लाई से पहले क्या है कि जब इसके अंदर हमारे पास इन जाती है, इन जाने के लिए हमारे पास इसमें लाइट ब्लिंक होना चाहिए। अगर लाइट ब्लिंक नहीं हो रही, इसका मतलब सिस्टम के अंदर या तो कहीं फ्यूज डिस्कनेक्ट है, पहली बात। और उससे पहले हमने क्या देखना है, रिएक्टर कॉयल। अगर रिएक्टर की एक कॉयल की एक तार भी हटी होगी तो भी क्या होगा, इसका ये पीसीबी ऑन नहीं होता, या फ्यूज की वजह से भी हो सकता है। अगर फ्यूज या दोनों चीजें हमें लगता है बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब यहाँ लाइट आ रही चाहिए, नहीं आ रही तो कहीं पीसीबी के अंदर ट्रबल है। वो आ गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद हमने चेक करना है यहाँ पर इन वोल्टेज, इन वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। इनके बाद हमें इन किस में जाता है, हमारा रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से हमें आउट होता है। तो जब आउट होगा तो हमें डीसी वोल्टेज प्रोवाइड होगा, वो डीसी किस में जाएगा, फिल्टर के अंदर, वही साइन वेव आने के बाद स्क्वायर वेव होता है बस। और फिर उसके बाद एसी के बाद डीसी पल्सेटिंग शुरू हो जाता है। पल्सेटिंग यहाँ आईपीएम से होता है, वहां से डीसी बनेगा, यहाँ से यहाँ तक डीसी वोल्टेज बनेगा। एक दो टर्मिनल बताओ मेरे को, देखिए जब यहाँ से रेक्टिफायर, नहीं बताओ मैं चेक करता हूँ, ये रेक्टिफायर से है ना, डीसी वोल्ट में है, ये डीसी है, यहाँ पर कोई पल्स नहीं है, यार ये यहाँ पर कोई पल्स नहीं, यहाँ कोई पल्स नहीं है, एसी से डीसी हो गया। अभी एसी वोल्ट में लगा दी, अंदर वाले एसी वोल्ट में लगाई, नहीं एसी वोल्ट में लगा, एसी वाला चेक करो, बीच दोनों ठीक है, ओके। अभी इधर क्या चेक करने के लिए बताया, उसके बाद पीएफसी सर्किट में जाएगा जो पावर कनेक्टर का सेक्शन है, वही वही किधर चेक करना, किधर क्या क्या चेक करना, ये दोनों, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस दो, इसमें इसको नहीं, डीसी वोल्ट है ना, हां इसको चेक करने का बहुत सही तरीका है। जो मैनुअल कई बार हम देखते हैं, मैनुअल ये कई बार फूल जाते हैं, फट जाते हैं ना, कभी क्या है सिस्टम के अंदर ये सीरीज में अगर ये वीक हो गया तो हम लोग नहीं बता सकते ये चीज। अभी क्या है, जो वोल्टेज है, मान लो किसी को 200 300, हमें 20 या 330 डिपेंड करता है, 440 तक हमें वोल्टेज मिलती है, एक के अंदर वोल्टेज आ रहा है, दूसरे में वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, सर्किट ओपन है, ठीक है ना, सेम ही मिलेगा। अगर नहीं होगा तो भी हमारा आगे सप्लाई, लास्ट टाइम एक बार जनवरी में ट्रेनिंग किया था ना, तो एक क्लास होने के, अभी किधर किधर चेक करने का, इन दोनों प्लस माइनस, जो ये व्हाइट कलर का लाइन होगा ना, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है सारा, ठीक है, हर कैपेसिटर के ऊपर, इधर प्लस है, इधर एंड के सर, ये माइनस, मीटर कौन सा सेट किया है, हां इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, डीसी में, हां दबाओ डीसी में, पूरा दबा के रखना, पुश करो, कनेक्ट नहीं हो रहा है, अरे 300 अभी इसी के बाद नीचे, इसी इसी पे लगा दो, दूसरे वाले नहीं, इसी इसी के बाद नहीं, दोनों पे लगा, इस पे लगा दो, दूसरे का भी देख, इसका माइनस ले लो, सेम है, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस, ये दोनों माइनस माइनस है। अब इसके बाद नेक्स्ट आईपीएम चेक करना है आपको, आईपीएम से सप्लाई चेक करना है, ये राउंड वाला क्या बोलते हैं उसको, आईपीएम पीएफसी सर्किट, पीएफसी सर्किट नहीं, यूवीडब्ल्यू है ना, हाँ ये यूवीडब्ल्यू, कितना सेम आएगा, फुल फुल सेम आना, फुल डिपेंड करेगा कितनी फ्रीक्वेंसी को, आराम से 10 से कच पे जितनी फ्रीक्वेंसी है, 300 एंड समथिंग नहीं आएगा, नहीं नहीं 300 नहीं आएगा, ये वीडियो ग्रुप में डाल देना, ठीक है, पीओटी वाला ग्रुप लास्ट टाइम था ना, इस पे 300 कवर, मैंने अब तक मैं अभी डीसी वोल्टेज की वीडियो बनाना।